कार न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। राजस्थान सरकार के सत्ता परिवर्तन होने उपरांत नागौर के जिले में भ्रष्टाचार करने के सोशल वर्कर गणपत चौधरी ने लगाया आरोप और जानकारी देते हुए कहा कि जहां एक और मुख्यमंत्री महोदय रेलवे स्टेशन हॉस्पिटल सड़क मार्ग पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, वहीं नागौर जिले में धरातल पर क्रियान्वयन न होना अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। सुनिए गणपत चौधरी सोशल वर्कर की जुबानी। सभी दर्शकों को नमस्कार। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर उपस्थित हैं, जहां की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां पर इस समय कार्यक्रम भी चल रहा है। इसी समय अचानक से एक व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर हैं, जो यहां पर पहुंचे हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? इंजीनियर गणपत चौधरी, बेसिकली बिलोंग टू सर नागौर, नागौर की धरती, मारवाड़ की धरती। क्या समस्या लेकर आए हैं आप? समस्या ये है कि हमारा जो सोशल वर्कर के रूप में जो मेन उद्देश्य है, जनता शासन और प्रशासन के बीच में कहीं जनता की जो बात छूट जाती है, जनता की जो चीज़ें होती है वो छूट जाती है, प्रशासन कहीं कोई गंभीर नज़र नहीं आता जी। इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से मुलाकात की, इस प्रकरण को लेकर गंभीरता से कि राजस्थान के सीएम आप हो, जिन्होंने 20 दिनों के अंदर नागौर में दौरा किया और नागौर के दो टुक प्रशासन को, ब्यूरोक्रेसी को समझाया कि गंभीरता रखे, लेकिन नागौर का ब्यूरोक्रेसी कोई गंभीर नहीं आया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कोई भ्रष्टाचार का मामला आया नागौर जिला परिषद सीईओ की ढिलाई का, और एक कोई पंचायत से लेकर जुड़ा मेरे भी संज्ञान में मामला आया। किसानों ने, वहाँ के गाँव वाले वासियों ने मुझे बताया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताया, तो विदिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 5 मिनट में लेटर जारी करके नागौर प्रशासन को चेताया कि मैं गंभीर हूँ, आप गंभीर हो जाइए। और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के कहने के बाद हुआ नहीं काम, और उस पर जाँच और पारदर्शी की टीम बना के फील्ड में धरातल पर काम नहीं किया। नागौर जिला परिषद के सीईओ है जिन्होंने, और प्रशासन में वो ढिलाई नजर आई, तो उसके बाद तत्पश्चात नागौर के सीईओ के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संज्ञान में ले लिया। नागौर के सीईओ को भ्रष्टाचार, बेईमान और काम में ढिलाई करने वाले कर्मचारी के रूप में उनकी पहचान बनी राजस्थान में। और सीईओ बिल्कुल उस दिन जिस दिन मुख्यमंत्री महोदय आए उस दिन भी प्रेजेंट नहीं थे, और उन्होंने कर्मचारी से लेकर नरेगा मेट्रो तक एक मंथली आज के साथ लूट की छूट का एक प्रकरण बनाया है। लूट की छूट ही, जबकि नागौर की राजस्थान की सरकार भजनलाल की सीएम गंभीर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री महोदय रात को 12 बजे भी नहीं सोते हैं और आम पब्लिक की बात सुनते हैं, रेलवे स्टेशनों, हॉस्पिटलों, आम रोड पर जाते हैं, लेकिन प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोके अंगद की तरह कुर्सी पर जमे हुए हैं। जो उस बात को लेकर हम आए हैं, और राजस्थान का पहला मामला है जो मुख्यमंत्री ने 1 महीने के भीतर नागौर प्रशासन को रिमाइंडर लेटर जारी हुआ, कोई सामान्य लेटर नहीं है, अपने आप में मुख्यमंत्री का लेटर और रिमाइंडर लेटर जारी होना नागौर प्रशासन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मुख्यमंत्री को गंभीरता दर्शाता है। वहीं नागौर प्रशासन की जो है कुंभकर्ण की नींद और ढिलाई दर्शाता है, जो मुख्यमंत्री इस पर एक्शन लेने वाले हैं और इस ढिलाई पर कभी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और आज हम नागौर प्रदेश कार्यालय जयपुर प्रशासन के बीच में एक ही मांग, शासन के बीच में एक ही मांग है कि चाहे कोई भी मंत्री हो सरकार में, वो औचक निरीक्षण कर रहा है, चाहे मदन जी दिलावर साहब हो, वो औचक निरीक्षण करते हैं। नागौर प्रशासन ने गारंटी के साथ ये दावा है कि औचक निरीक्षण नहीं किया, और जिस प्रकरण को हम लेके चले हैं, जिस प्रकरण के बारे में बात करें, उस प्रकरण में कम से कम उन्होंने कोई टीम बना के धरातल पर कोई काम करना शुरू नहीं किया है। इस तरीके की ढिलाई नहीं हो, फर्स्ट तो मांग है। ऐसे जिला परिषद के जो सीईओ है नागौर का, वो भ्रष्ट है, बेईमान है, जो कर्मचारी से नरेगा मेट्रो तक एक लूट की छूट का जो माहौल दिया उन्होंने, और ऐसे कर्मचारी